हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में हजारों तीर्थ स्थान और लाखों प्राचीन मंदिर हैं। सभी की न केवल अपनी अपनी कहानियां हैं, इतिहास है और मान्यताएं हैं, बल्कि सभी से जुड़े कुछ घटनाएं, कुछ चमत्कार और कुछ रहस्य हैं, जो आज वैज्ञानिक युग के तार्किक लोगों में श्रद्धा, आस्था और विश्वास का बीजारोपण कर नास्तिक को आस्तिक बना देते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है पुण्य भूमि हिमाचल प्रदेश चंबा जिले में सुई माता का मंदिर। भक्तों, सुई माता मंदिर चंबा का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो शहर के केंद्र में स्थित है। अगर आप इस मंदिर के अलावा चंबा के अन्य पर्यटन स्थलों की सैर करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं। यात्रा प्रेमी बंधुओं, पोहलानी माता मंदिर से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर डलहौजी नामक खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये पर्यटन स्थल देखने में जितना खूबसूरत है, इसका इतिहास उतना ही पेचीदा और विस्मयकारी है। कहा जाता है कि हिमाचल की ये 5 खूबसूरत पहाड़ियां कथलाग, पोट्रियन, बकरोटा, तेहरा और भंगोरा अंग्रेजों द्वारा चंबा के राजाओं से वर्ष 1854 में खरीदी और पर्यटन स्थल के रूप में स्थापना की। बाद में इस जगह का नाम बदलकर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नाम पर रख दिया गया। यह पर्यटन की दृष्टि से अद्वितीय स्थान है। बंधुओं, समुद्र तल से 6,500 फीट की ऊंचाई पर बसे खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड भी माना जाता है। यह हिमाचल प्रदेश का एक और खूबसूरत हिल स्टेशन है जो डलहौजी से लगभग 23 किलोमीटर दूर स्थित है। यह खूबसूरत घास का मैदान है जो अविश्वसनीय चीड़ और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है, जिसके पीछे स्थित धौलाधार की चोटियां और उनका अद्भुत दृश्य मनमुग्ध कर देता है। भक्तों, लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा के 6 प्रमुख मंदिरों में से यह सबसे विशाल और प्राचीन मंदिर है जो अपनी पारंपरिक वास्तुकला, शिल्पकला और मूर्तिकला का अनुपम और उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर हजारों साल पुराना है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर राजा साहिल वर्मन ने 10वीं शताब्दी में बनवाया था। यह मंदिर शिखर शैली से निर्मित है। मंदिर में एक विमान और गर्भगृह है। हरि राय मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित चंबा का ये प्रमुख मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु अपने 3 अवतारों में विराजमान है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की एक और आकर्षक मूर्ति है जिसमें वे 6 घोड़ों के साथ रथ पर सवार हैं। यह मंदिर की सबसे उत्कृष्ट मूर्ति है। इसके अलावा मंदिर में भगवान शिव, सूर्य, अरुणा देवी, उमा और नंदी की भी मूर्ति है। भक्तों, भले ही माता मंदिर देवी भद्रकाली को समर्पित है, यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला अंतर्गत सालूनी तहसील के भलेई नामक स्थान पर स्थित है जो समुद्र तल से लगभग 3,800 फीट की ऊंचाई पर है। सालूनी तहसील मुख्यालय से इस मंदिर की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। यह मंदिर पवित्र धाम होने के साथ साथ बेहद प्राचीन है जो अपनी सुंदरता और आस्था के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। ये मंदिर डलहौजी से करीब 38 किलोमीटर की दूरी पर है। भक्तों,
सुई माता मंदिर के लिए चंबा जाने का सबसे अच्छा मौसम अप्रैल से अक्टूबर के बीच होगा। लेकिन अगर आप चंबा के अन्य पर्यटन स्थलों की सैर करना चाहते हैं तो मार्च से जून सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इन महीनों में तापमान कम और सुखद रहता है। चंबा की घाटियों में गर्मी में रात ठंडी होती है। अगर आप एक ऑफबीट वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो दोबारा मत सोचिए। यहाँ जुलाई मानसून की शुरुआत है और भारी बारिश होने की वजह से यहाँ की यात्रा करने की सलाह नहीं दी जाती। दिसंबर बर्फ प्रेमियों के लिए अच्छा समय है, लेकिन इस दौरान यात्रा करते समय गर्म कपड़े जरूर ले जाएं, क्योंकि तापमान शून्य स्तर तक कम हो सकता है। भक्तों, अगर आप सुई माता का दर्शन करना चाहते हैं तो भगवान का नाम लेकर यात्रा का शुभारंभ कीजिए, अखंड पुण्य के भागी बनिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम।